पहली नज़र में तो हमें मुसलमान डरा हुआ लगा, हमें लगा कि वो हमसे बात नहीं करेगा। जैसा कि हमने बताया, हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम में मुसलमान लोग भी थे, तो शायद से उनकी वजह से उन्होंने हमारे से बात की, वरना उन्हें आज मीडिया से डर लगता है, मुसलमानों को मीडिया से डर लगता है, वो नहीं बात करना चाहते आपसे। जो भी उनके सामने इस तरह का एक माइक लेकर और कैमरा लेकर खड़ा हो जाएगा, मुसलमान को पता है कि वो नहीं बचेगा कल, तो मुसलमान डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो हिंसा नहीं चाहते, वो मिलके रहना चाहते हैं, मिलके रहते आए हैं, आगे भी वो इस तरह की करना नहीं चाहते। मतलब कौन जो लोग हैं जो देश में इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं और किस तरह का उनको फ़ायदा है? और जहाँ तक मुझको लगता है कि जो स्टेट पावर है या केंद्र की सरकार है, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो चाहती ही नहीं है ऐसे लोगों को कंट्रोल करना जो इस तरह की वाहियात जहर फैला रहे हैं या सांप्रदायिकता फैला रहे हैं या हिंसा में कहीं ना कहीं वो संलिप्त मिलते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सरकारें भी शामिल हैं पूरे देश का माहौल खराब करवाने में। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद रवि, मौजूद हैं दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जहां पर APCR द्वारा एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की गई है। और जो पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिक घटना बढ़ाने की कोशिश हुई, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश हुई, खासतौर पर मुसलमानों को जिस तरह से टारगेट किया गया उसके अंदर, एक अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर या अवैध मस्जिद को हटाने को लेकर आउटसाइडर के नाम पर पूरा कैंपेन चलाया गया, लेकिन वो साफ तौर पर वहाँ रह रहे मुसलमान व्यापारियों, मुसलमान दुकानदारों को टारगेट करने की कोशिश थी। उसके खिलाफ ये जो पूरा तनाव हुआ, उसके बाद वहाँ लोग क्या सोच रहे हैं, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी है, इसको लेकर इन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करी है। इसके अलावा यहाँ पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण हेगड़े साहब, इसके अलावा शिमला के मेयर टिकेंद्र पवार, इसके अलावा कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने इस पूरी घटना के असर क्या होगा देश भर में और इसको रोकने में किस तरह से वहाँ की कांग्रेस शासित राज्य सरकार भी विफल रही और कहीं ना कहीं उसके नेताओं द्वारा भी भड़काऊ भाषण दिए गए जिसने वहाँ पर स्थितियाँ तनावपूर्ण पैदा करी, अभी वहाँ क्या हालात हैं, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, इस रिपोर्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। हमने वहाँ गए फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्टर्स से बात करी, इसके अलावा अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से बातचीत करी है। सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। दूर से देखने पे ऐसा ज़रूर लगता है कि हिमाचल एक शांत स्टेट है, सुंदर जगह है, लेकिन हिमाचल में अभी जो पिछले 2 महीनों में ये जो इतनी जो रैलियां हुई है, तो इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है वो काफ़ी समय से छोटे छोटे पॉकेट्स में पनप रही थी, वो आइडियोलॉजी पनप रही थी। और अभी ये जो घटना हुई मल्याना में, जो संजौली से 9 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर कुछ हिंदू युवकों और मुसलमान युवकों के बीच में आपस की लड़ाई हुई, तो उसकी आड़ में जो है इसको एक स्टेट वाइड एक कैंपेन का रूप इसको दे दिया गया। लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये कैंपेन जिस आइडियोलॉजी के दम पे बनी वो हिमाचल में नहीं थी, वो थी। और वो चीज़ हमने, आप अगर कमल गौतम को फॉलो कर ले, कमल गौतम आज से 2-3 साल पहले से ही सब फैला रहा है कि बाहरी मुसलमान आ रहे हैं हिमाचल में, ये टेक ओवर कर लेंगे, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। तो आज से वो आज से नहीं, 2-3 साल पहले से फैला रहा है, लेकिन वो छोटे छोटे पॉकेट्स में कर रहा था, बिलासपुर में, चंबा में, छोटे छोटे पॉकेट्स में, मेन स्ट्रीम नहीं था, स्टेट वाइड नहीं था, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन आइडियोलॉजी पनप रही थी। जब हमने लोकल से बात करी तो वो हमें समझा रहे थे कि आप तो ठीक कह रहे हैं कि 2% मुसलमान है, लेकिन पहले तो 0.5% था शिमला में, अब 2% हो गया है, तो कल को 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। तो इस तरह का जो आर्ग्यूमेंट है वो पहले से था, स्मॉल पॉकेट्स में था। इस बार एक जो घटना हुई उसकी आड़ में उसको स्टेट वाइड कैंपेन बना दिया गया, ये पहली बार हुआ है, ये कहना सही होगा। देखिए, ग्राउंड स्थिति जो थी वो अभी लोकल्स जो हैं हिमाचल में, जो हिमाचली आम हिमाचली है वो ऐसा नहीं है। लोकल आम हिमाचलियों से बात हुई, हमने लैंडलॉर्ड से बात हुई, हमारी वहाँ पर जो डिफरेंट लोग हैं वो ऐसा नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे लैंडलॉर्ड हैं जिन्होंने नहीं खाली करवाया डिस्पाइट ऑल दीज प्रोटेस्ट, तब भी अब वो लैंडलॉर्ड के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, मुसलमान के ऊपर प्रेशर नहीं बना रहे। तो जो लोकल हिमाचली है वो इतना कम्युनल नहीं है, बट देयर इज़ दिस एलिमेंट विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, वेरी वायलेंट एलिमेंट, वेरी लाउड एलिमेंट, जो इतना नॉइज़ बनाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैली करते हैं, इतनी वायलेंट रैली करते हैं कि उनको सुनकर ऐसा लगता है कि पूरा हिमाचल ही चाहता है कि मुसलमान चले जाए, जबकि ऐसा नहीं है। पहाड़ों में ये बीमारी नहीं थी और इसलिए ये जब हिमाचल में हुआ, हम लोग भी ये समझते थे कि हिमाचल में ये सांप्रदायिकता की बीमारी नहीं है, तो इसलिए अब की बार बहुत आश्चर्य हुआ कि कितनी जल्दी से ये हो गया और कितनी तेजी से फैल गया हिमाचल के कई जगहों में।
और ये यही बात दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में जो ये हिंदुत्ववादी संस्थाओं ने जो काम किया है, बीजेपी, आरएसएस और दूसरे और ऑर्गेनाइजेशंस, उसकी वजह से ये सांप्रदायिक जहर कम से कम अंदर अंदर काफी फैल गया और जिसकी वजह से इतनी जल्दी से ये मोबिलाइजेशन वगैरह कर सकते हैं और इस तरह के हालात बना सकते हैं। और दूसरी बात ये भी दिखा रहा है ये जो इंसिडेंट हुए हैं कि कांग्रेस भी इस बीमारी से अछूती नहीं है और कांग्रेस में भी कई लोग हैं जो चाहे वो आइडियोलॉजिकली सांप्रदायिक ना भी हों लेकिन कम से कम अपॉर्चुनिस्टिकली सांप्रदायिक हैं। देखिए, हिमाचल की ये घटना इसलिए थोड़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है जो वादा करती है सेकुलर क्रेडेंशियल्स का और वैसे ही समाज का, लेकिन ये पूरी घटनाएं कांग्रेस की सरकार की नाक के नीचे हुई। उनके दो मिनिस्टर इसमें पूरी तरह से शामिल थे, बल्कि ये कहा जाए कि जो सझौली इलाका है उसका एक कारपोरेटर जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन के मेंबर थे, सभासद, उन्होंने इस पूरे मामले की शुरुआत करी और कांग्रेस पूरी तरह से देखती रही इसको और इसको रोकने में नाकामयाब रही। लगातार उनके नेताओं की तरफ से बयानबाजी आती रही, यहाँ तक कि बयान आया कि हम योगी की जैसा बिल लाने वाले हैं, तब शायद दिल्ली से कुछ हलचल हुई, अदरवाइज़ दिल्ली ने पूरी तरह से आंख बंद कर ली थी। तो ये हमेशा बीजेपी का एक एजेंडा होता है, जब वो रूल कर रहे होते हैं तब भी या जो अपोजिशन में होते हैं तब भी, लेकिन रूल कर रहे होते हैं तो उनके साथ बहुत आसानी होती है, बहुत इजी वे में वो चीज़ों को चला लेते हैं कि वो बुलडोज़र भी इस्तेमाल कर लेंगे, जुलूस भी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंग मामला ये था कि कांग्रेस की सरकार की नाक के नीचे जुलूस निकल रहे थे, उन जुलूसों में नारे लग रहे थे, दुकानें लूटी जा रही थीं, लेकिन कोई एफआईआर और कोई अरेस्ट नहीं हो रही थी। तो ये अपने आप में बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंग थी। देखिए, हमने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में भी इस बात को दर्ज किया है कि जो पहली रैली हुई थी संजौली मस्जिद के खिलाफ 1 सितंबर को, 30 अगस्त को लड़ाई हुई, 1 सितंबर को जो पहली रैली हुई थी उसमें कांग्रेस के भी काउंसिलर शामिल थे, कांग्रेस के काउंसिलर थे, बीजेपी के काउंसिलर थे, उन दोनों ने मिलकर एक तरह से ये कहा जा सकता है, अब आपस में बात किया नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दोनों वहाँ पे मौजूद थे पहली रैली में, कांग्रेस के भी काउंसलर, बीजेपी के भी काउंसलर। और उसके बाद असेंबली में कांग्रेस के जो मिनिस्टर है अनिरुद्ध सिंह राणा, उन्होंने जो है इतना हेटफुल स्पीच दिया कि ये बाहर से लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, कोई बांग्लादेशी तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद विक्रमादित्य सिंह का ऑर्डर आ गया कि आपको नेम प्लेट पे नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, जो भी मतलब जो भी रोड साइड पे दुकान है, मतलब आप क्या नाम देखकर ख़रीदारी करेंगे कि हाँ क्या नाम है, और अगर नाम मुसलमान है तो क्या आप वापस लौट जाएंगे, मतलब ये कौन से देश की बात है। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टंट है। आखिरी रैली हिमाचल में 6 अक्टूबर को हुई थी, जब अराउंड हरियाणा इलेक्शन सुनाए गए थे, रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद कोई रैली क्यों नहीं हुई है? इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, रैलियाँ पूरे सितंबर के महीने में रही, जितने भी लीडर थे, जयराम ठाकुर जो हैं हिमाचल के पूर्व चीफ मिनिस्टर और अभी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने हरियाणा में काओ बेल्ट में जाके अपना पूरा कैंपेनिंग किया, उन्होंने बोला कांग्रेस जो है आपका वही हाल करेगी जो अभी हिंदुओं का हिमाचल में करे। हिंदू बीजेपी ने अपने बकायदा व्हाट्सएप चैनल पे ये वीडियो चढ़ाई हैं कि किस तरह से हिंदुओं के ऊपर लाठी बरसाई गई कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो इसका पूरा एक पॉलिटिसाइजेशन किया गया है, इसको पूरी तरीके से यूज़ किया गया है एक तरीके से इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए, और वो इलेक्शन हमें दिखा है, उसका रिजल्ट हमें दिखा है। देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि ये जो पूरा हिमाचल की जो घटना है, मतलब हमें तो शर्म आती है कि ऐसे राज्य जहां हम फ़ख्र से कहते थे कि हम साफ़ हवा देते हैं लोगों को, और साफ़ हवा सिर्फ जलवायु की नज़र से नहीं लेकिन वैसे भी ओवरऑल जो पॉलिटिकल वातावरण भी वहां भी अब ये दूषित माहौल हो गया है। लेकिन इसमें दो तीन बातें हैं। पहली तो ये है कि ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हुआ है और जिसमें बहुत तैयारी से, नहीं तो आप लगाएं एक बाल काटने की घटना से कि किसने पैसे नहीं दिए, वो मस्जिद तक पहुंच जाए, वो मस्जिद जिसमें शहर में मेरे तो मुझे ही नहीं पता था कि वहाँ मस्जिद भी है। तो ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा गवर्नमेंट का भी इसमें ढीलापन रहा है,
नहीं तो ये पकड़ा जा सकता था, टाइम पे पकड़ा जा सकता था। और उनके अपने मंत्रियों द्वारा मतलब इसमें जैसे आग में घी डालना है वैसे हुआ है, नहीं तो ये रुका जा सकता था। अब मंत्री अगर कुछ बात बोलेंगे तो लोग नीचे से और भड़कते हैं उस बात को लेकर, ये भी हुआ। इसका सर हम ये मान सकते हैं कि अकेली हिमाचल की घटना नहीं, हिमाचल उस घटनाओं में एक है शामिल जो बैक टू बैक हुई है। जैसे यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम जो बेस्ड जो है विधानसभा, वहाँ पे लोग सभा करवाए जाते योगी आदित्यनाथ की, और उनका पूरी तरह कम्युनलेटेड एक भाषण होता है। इसके बाद जो मतलब दादरी में जिस तरह इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे बीजेपी को फ़ायदा मिलता है। नू में जो घटना हुई उससे बीजेपी को फ़ायदा मिलता है। और आप ये देखो कि हरियाणा की सबसे बड़ी विनिंग सीट जो है वो कांग्रेस जीती है, वहाँ पे मेवात में मोमन खान, उसका उन्होंने पूरे मतलब हरियाणा में इस तरह से बीजेपी ने उसका प्रचारित किया है कि देखो कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट किया है। जैसे वो कहीं ना कहीं वो यही फैला रहे हो कि कांग्रेस को तो वोट ही सिर्फ मुसलमान करते हैं या पार्टी ये मुसलमानों की है। जिस दिन ये घटना हुई हमारी 50% बुकिंग एकदम कैंसिल हो गई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हम हमारे जैसा राज्य और शहर जो कि अपनी ब्रेड एंड बटर का बड़ा हिस्सा टूरिज्म से कमाता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस तरह की घटनाएं हो। और ये शहर जो खासकर शिमला शहर है वो पूरा माइग्रेंट्स का शहर रहा है शुरू से, चाहे वो कश्मीरी पोर्टर हों, मोचा ढोने के लिए जो लाए गए वाल्मीकि हों, या फिर दूसरे ट्रेडिंग कम्युनिटी आई हो, या फिर जब हम हमारा फुल स्टेटहुड मिला तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आए हों, तो ये ऐसे ही शहर बनते हैं और इसी तरह से काम होता है। और आज भी जो मेन मजदूरी का जो काम है शहर में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है पेंट, वो सारा सहारनपुर का मजदूर है, मुसलमान जिसमें ज़्यादा है, तो वो कहाँ उनके बिना काम नहीं हो सकता है, वो पेंटर आपको मिलेंगे नहीं उनके अच्छे कारीगर। तो ये सिर्फ कुछ लोगों द्वारा, खासकर एक मतलब पॉलिटिकल धारा द्वारा ये डेलिब्रेट किया गया है ताकि वो पूरे एटमॉस्फेयर को विशेट कर सके और अपनी इसको स्प्रेड कर सके। और जैसे भाषा में विवाद आता है वैसे ही धर्मों में भी विवाद फैलाया जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि एक ही मजहब पे जब एक देश बना था, हमारे पड़ोसी देश, वो भाषा पे टूट गया था। तो जब हम इतने सारे भाषाएं बोलते हैं, इतनी सारी भाषाओं में हम एक दूसरे को समझते हैं, तो बहुत एक दूसरे को धर्म पे क्यों नहीं समझ पाते हैं? हम संविधान के बारे में हम कितने भी बोले, संविधान का जो पहला जो प्रियम्बल है, जिसे मैं कभी कभार ये भी कहता हूं कि वो हमारे हिंदुस्तान के आईन का सूरा फातिहा है, तो उसमें एक बड़ा एक शब्द है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, वही है हमारे संविधान और हमारे इस देश को चलाने की एक इकलौती चाल। हम एक दूसरे को जब तक बंधुत्व से नहीं देखते हैं, जब हम ये नहीं मानते हैं कि आपका जितना हक है इस देश में हमारा भी उतना ही हक है, और जब आपका हक घटाया जाता है तो हमारा भी हक घटता है।